इफ यू आर एंग्री काउंट अप टू 100, इफ यू आर वेरी एंग्री काउंट अप टू 1000। ये बहुत कारगर तरीका है गुस्सा कम करने का। अर्थात यदि आपको गुस्सा है तो आप 100 तक गिनती गाइए अकेले में जाके, और यदि आपको बहुत गुस्सा है तो 1000 तक गिनती गिनिए, गुस्सा निश्चित रूप से कम हो जाएगा। देखें आज मैं आपके लिए लाया क्या हूं। शब्द है फटना, बहुत यूज होता है। देखें सबसे पहले यूज हम इसी जगह करते हैं जहां के इसकी बड़ी जरूरत है। दूध फट जाता है, दूध फट जाता है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगी? टर्न से बनती है इसकी अंग्रेजी। देखें मिल्क टर्न्स सावर, सावर कहते खट्टा, सावर। दूध फट जाता है, दूध फट गया, यानी ये तो मैंने बताई थी अभी प्रेजेंट में। अब पास्ट में देखें मिल्क टर्न्ड सावर, दूध फट गया। अब देखें दूध फट जाएगा, फ्यूचर में देखें मिल्क विल टर्न सावर, अर्थात दूध फट जाएगा। तो मैंने तीनों टेंस में ही इसको बना दिया। काफी कठिन मानी जाती है इसकी अंग्रेजी, लेकिन देखिए मैंने तीनों टेंस में बनाया इसको। गुस्से से फट जाना, किसी पे बहुत गुस्सा हो जाना, गुस्से से फट पड़ना। एक्सप्लोड विद एंगर, मैंने इसको भी तीनों टेंस में बनाया है। बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, गुस्से में बिल्कुल फट पड़ना, गुस्से में बिल्कुल फट पड़ना। इसकी अंग्रेजी देखें एक्सप्लोड विद एंगर, कोई भी करता हो सकता है। इसको प्रेजेंट में देखें शी एक्सप्लोड्स विद एंगर, वह गुस्से से फट पड़ती है। या ही, दे, किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी। टेंस के अनुसार सेंटेंस बनेगा। अब देखें पास्ट, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, कोई ज्यादा बात होती नहीं। शी एक्सप्लोडेड विद एंगर, वह गुस्से से फट पड़ी। शी विल, ये फ्यूचर में है, शी विल एक्सप्लोड विद एंगर, वो गुस्से से फट पड़ेगी। तो मैंने इधर छोटा छोटा लिख भी दिया है, पहला प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, एफ का मतलब फ्यूचर है। अब देखें किसी पर फट पड़ना, बरस पड़ना, ये दूसरी तरीके की अंग्रेजी है, नाराज होने की ही है। टू कम डाउन अपॉन समवन, टू कम डाउन अपॉन समवन। माय टीचर, सेंटेंस देखें प्रेजेंट में, माय टीचर कम्स डाउन अपॉन मी, टीचर अध्यापक महोदय मुझ पे फट पड़ते हैं। तो ये टीचर है, यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट में। अब पास्ट में देखें माय टीचर केम डाउन अपॉन मी, टीचर अध्यापक महोदय मुझ पे फट पड़े, बरस पड़े। फट पड़े और बरस पड़े एक ही बात है। तीसरा देखें फ्यूचर में, माय टीचर विल कम डाउन अपॉन मी, टीचर मुझ पे बरस पड़ेंगे, फट पड़ेंगे, मैंने काम होमवर्क पूरा ही नहीं किया है। तो इस तरीके से अब देखें बम फटने की अंग्रेजी, बस्ट ब्लास्ट, दो शब्द आते हैं, बस्ट भी आता है इसके लिए। बम फटता है, द बम ब्लास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट में, द बम ब्लास्टेड, फट गया। फटता है पहला है, फट गया, और बम फट जाएगा, द बम विल ब्लास्ट, बम फट जाएगा। अब देखें अलग अलग अंग्रेजी होती है हर चीज की। देखें जमीन फटती है या दीवार फटती है, दीवार में क्रैक आ जाता है, दीवार फटती है। द अर्थ क्रैक्स, जमीन फटती है इसकी अंग्रेजी, क्रैक से बनेगी, क्रैक शब्द का इस्तेमाल होगा। द वॉल क्रैक्ड, दीवार फट गई। तो इस तरीके से वॉल के लिए और अर्थ के लिए यानी जमीन के लिए क्रैक का ही इस्तेमाल होगा। बुलबुला या फोड़ा फूटता है या फटता है, एक ही बात है। तो इसके लिए द बबल बर्स शब्द आएगा, बर्स। दिल फटता है, दिल फटने के लिए हार्ट बर्स, माई हार्ट बर्स, मेरा दिल फटता है। और फोड़ा ब्रॉइल, ब्रॉइल फोड़े को कहते हैं,
थोड़ा फूटता है या फटता है, तो बबल के लिए और दिल के लिए यानी बुलबुले के लिए और फोड़े के लिए बस्ट शब्द का ही इस्तेमाल होगा, बस्ट। अब कपड़ा फट जाता है, कपड़े फटने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, क्लॉथ या शर्ट। शर्ट के लिए भी कोई भी कपड़ा है, चाहे सिला हुआ है चाहे बिना सिला हुआ है, क्लॉथ यानी और शर्ट इज टॉर्न, फट जाती है, वाज टॉर्न फट गई। इस तरीके से प्रेजेंट में और पास्ट में इसका प्रयोग हो जाएगा, इज टॉर्न फट जाती है, वाज टॉर्न फट गई। तो लकड़ी फट गई, अब लकड़ी फटने की अंग्रेजी क्या आएगी, वुड वाज स्प्लिट, वुड वाज स्प्लिट। लकड़ी जिसको चीरा जाता है, लकड़ी वुड वाज स्प्लिट, लकड़ी फट गई। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।